अब मैं ना 1 मिनट चलता हूँ, 5 मिनट आराम कर रहा हूँ, लेकिन गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तगड़ी गुड मॉर्निंग हो गई। रास्ते में आते टाइम मस्त ठंड लग रही थी और अब मैं जो वोल्केनोज नेशनल पार्क है उसके एंट्रेंस पे पहुंच चुका हूं। यहां पे मुझे पहले एक रैपिड टेस्ट कराना पड़ेगा, कोविड का रैपिड टेस्ट करवा लिया है। अब यहां से मुझे टिकट खरीदनी है। इस टिकट का प्राइस है $75। बाइक वाले ने मुझे सुबह गेस्ट हाउस से उठाया था, गेस्ट हाउस से लेके आया यहां तक, 10 से 15 किलोमीटर रास्ता होगा। के लिए मैंने पे किए 5000 फ्रैंक। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी मिलेगी, उसके बाद शायद खाना वाना है या नहीं है मशहूर नहीं हो। वेयर आई कैन गेट द ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ओह मैन, सो इवन इन द माउंटेंस आई डोंट गेट एनीथिंग। मुझे ना वेट करना पड़ेगा। अगर आप इन वोल्केनिक माउंटेन्स के अंदर हाइकिंग करने के लिए आते हो तो सबसे पहले आपको एक कोविड टेस्ट चाहिए, उसके बाद आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट होगी $75। टिकट खरीदने के बाद आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल होना चाहिए इन माउंटेन्स में जाने के लिए। यहाँ पे कम से कम 3-4 माउंटेन्स हैं। मैं गोरिल्ला वाले के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मेनली लेक वाले वोल्केनिक माउंटेन के लिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पे गोरिल्ला को देखने आते हैं, लेकिन मेरा भी गोरिल्ला को देखने का इतना कुछ मन वन है नहीं। वो मैं शायद किसी के साथ देखना चाहूंगा यार, अकेले नहीं, अकेले में मजे नहीं आएंगे। चलो इन बातों को साइड करिए। तो अगर आप किसी भी वोल्केनिक माउंटेन पे जाते हो, क्योंकि गोरिल्लाज आपको गोरिल्ला और जो लेक है वो इन वोल्केनिक माउंटेन के ऊपर ही मिलेंगे, तो वहां जाने के लिए आपको इस ऑफिस से या फिर जहाँ से आपको टिकट मिलेगी टिकट सेंटर से आपके माउंटेन तक पहुँचने के लिए आपको कोई ना कोई पर्सनल गाड़ी चाहिए, जो मेरे पास है नहीं, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो अब जो भाई साहब अंदर बैठे हैं उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा वेट करिए, अगर कोई भी, मैं जिस माउंटेन पे जा रहा हूँ उसका नाम है माउंट बिशोके, तो माउंट बिशोके के लिए अगर कोई भी हमारे पास आता है और उनके पास अगर जगह होगी आपको उनके साथ भेज देंगे, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है मुझे। अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। गोरे भाई दबा के दिख रहे हैं, आज से पहले मेरे को इतने टूरिस्ट नहीं दिखे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचा हमारी ब्रीफिंग स्टार्ट हो गई। सारा प्रोसेस मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये वो बंदे हैं जिनके साथ आज मैं माउंट बिशोके पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहुँचा, मेरे को गाइड वाइड की जरूरत थी और एक पर्सनल गाड़ी की जरूरत थी, तो पर्सनल गाड़ी अरेंज हो गई है $30 में। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे आके और ये जो यहाँ पे जो आपके साथ गाइड वाइड जाएंगे ना उनसे बातें कर सकते हो। ऑफकोर्स वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे यार। देखो अगर स्टार्टिंग से पर्सनल गाड़ी करोगे ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, $60 से $70 उसके हो जाएंगे और $71 इसके हो जाएंगे, लगभग $150 के आसपास खर्चा आ जाएगा आपका। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी यहाँ पे पहुँच जाओ, उस पास के लिए पे करो। हाँ, पास के लिए पेमेंट कैश नहीं होगी, कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इट्स गुड टू हैव योर कार्ड। कार्ड आपके पास होगा तो पेमेंट कर पाओगे आप। अगर आप कभी भी लेक बिशोके में आते हो तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। भाई का नाम है थियोडोर और डायरेक्टली थियोडोर भाई से आप कॉन्टैक्ट करोगे ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे, इन्होंने मेरी हेल्प की है। ये है यहाँ का वो पास वास सब, रवांडा डेवलपमेंट बोर्ड, $75, वोल्केनोज नेशनल पार्क। पहले बात ही पर्सनल गाड़ी की, अभी मैं किसी के साथ गाड़ी शेयर करने वाला हूँ। साथ में जो ड्राइवर भाई साहब हैं इनको मैंने वो पेमेंट कर दी है और अब हम निकल रहे हैं ऊपर के लिए। यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर आगे गाड़ी में जाना पड़ेगा, गाड़ी पार करेंगे, स्टार्ट होगी हमारी हाइकिंग। जो रोड था वो मस्त चल रहा था लेकिन अब रास्ता बिल्कुल ख़राब आ गया है। ये बोल रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ख़राब रास्ता है। फिर मैं बोलता भाई मन मन में कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आके देखो आपको रास्ते ही नहीं मिलेंगे कई जगह पर। अपने इंडिया में यार सब चीज़ें हैं, अच्छे रास्ते बुरे रास्ते हर टाइप की चीज़ है, हर टाइप की चीज़। खतरनाक बात पता क्या हुई है ना, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया है और रास्ते में कहीं पे खाना वाना मिला नहीं। प्लीज गिव मी अ लिफ्ट, दिस वन इज रिफ्यूजिंग, प्लीज डोंट लीव मी। Emma asked you that one. Chances see the gorillas. The gorillas is coming, they're parking there.
They're there coming. Yeah. Today they're there. You have chance. Yeah. Yeah. So it's a guarantee. Yeah. They're going to ask it is there. You know something? When you come to the village, you actually might see them. Yeah. They come out. Yeah. Gorilla come to village? Yeah. You have chance. And your name is John, yeah? Yeah. Of course, sir. John bhai bata rahe hain ki aaj hamare paas acha chance hai gorilla dekhne ke. 20%. Yeah. और भाई मैं इस रास्ते पर बाइक से आने की सोच रहा था। I was thinking to come on bike. Yeah. No bike here. No bike here. No bike here. No small car. No car. Coming back. It will. वोल्केनो का जो पीक है वो बादलों से ढकी हुई है। मजे आएंगे बाज आई हाइकिंग करने में। तो हम अपने उस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और फिर यहां से आज हमारी हाइकिंग स्टार्ट होगी। और अब हम जा रहे हैं अंदर, यहां पे आप खाना वाना खा सकते हो, थोड़ा कुछ सामान सोवनियर वोवनियर खरीद सकते हो। सब लोग यहां पे जूते वूते पहन रहे हैं, कई लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के आए हैं। तो अब जब आप हाइकिंग पे जाते हो और थोड़ी बारिश वारिश हो रखी है शायद ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर जंगल थोड़ा गीला वीला मिलेगा। इट्स गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ शूज़। जो लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए थे वो यहाँ पे जो शॉप है उनसे रेंट वेंट कर रहे हैं। एग रोल ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर खाने वाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो जो आज की हमारी हाइकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमें जाना है इस माउंटेन के ऊपर। कल भी बुरी हालत हो रही थी लेकिन आज कल से कम है। आज हमें ना रेस्ट ले लेके चल रहे हैं बीच में। वी हैव कवर्ड 30%। नॉट येट, लेट्स से 10। प्लीज से इन टू डिजिट्स। ओह दिस वाज जस्ट, ओह मैन, दिस इज लाइक द फेस ऑफ द पार्क। ओह दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस वाज वार्मिंग अप। ऑल द बेस्ट दीपांश। मुझे लगा हमने लगभग 20-30% रास्ता कवर कर लिया होगा लेकिन भाई साहब बता रहे हैं नहीं भाई, अभी तो रास्ता स्टार्ट ही हुआ है। मुझे लगता नहीं 3 घंटे में कवर हो जाएगा। हाउ आर यू ब्रदर? नो 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 वाटर। यू वांट ईट लेटर इन द टॉप? प्लीज ईट फ्रॉम मी। ओके, मेरे को खुशी हो रही है कि यहाँ के जो बंदे हैं वो भी थक रहे हैं तो फिर मेरा थकना जायज़ है यार। फिर मेरे को थकना अलाउड है। अगर मैं अकेला थक रहा होता ना फिर थोड़ी मुझे वो असर देख, ये होता है ना कि सब लोग मर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर अकेला मैं मर रहा हूँ तो दिक्कत वाली बात है। इंसानी प्रवृत्ति बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, ऐसी रहेगी चाहे कितना ही वो कर लो। बाकी एक बंदा हमारे साथ AK-47 लेके चल रहा है, आई थिंक सेफ्टी के लिए। अब हमारी हाइकिंग पहले से ठीक ठाक हो रही है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही पहले जितनी। अच्छी बात एक हो रही है कि अब हम बादलों के बीच आ गए हैं तो धूप लग नहीं रही, इस कारण से थोड़ी ठंड भी लग रही है। ये वाला जो पार्ट है ना सबसे खतरनाक है भाई, पैर बहुत स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मिट्टी एकदम गीली पड़ी है। सबसे पहले मैं आगे वाले ग्रुप में चल रहा था, फिर मेरे को थोड़ी थकान तेज होने लग गई। मुझे लगभग यहाँ पे रुके हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं और मैं कम से कम 5-10 मिनट और रुकूंगा यार। गाइड ने ऐसा बोला है कि किसी को कॉपी मत करो, खुद को कॉपी करो। अगर मान लो अभी एकदम ज़्यादा एफर्ट मारूंगा तो ऊपर तक पहुँच नहीं पाऊंगा और फिर ऊपर के ढंग से मजे नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ा लंबा रेस्ट करूंगा यहाँ पे और उसके बाद फिर ऊपर इसकी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी एकदम जंगल के बीचों बीच, बोर्ड ही साथ नहीं दे रही तो क्या हो गया? दिमाग से काम कराएंगे भाई साहब, ऐसा कोई काम ही नहीं जो नहीं कर सकता हूँ मैं। ये पंप डालना पड़ता है खुद के अंदर। अब मैं ना 1 मिनट चलता हूँ और 5 मिनट आराम कर रहा हूँ लेकिन ऊपर जाके ही मानूंगा कुछ भी हो जाए। टोपी उतार दी है, टोपी उतारने के बाद एक शांति मिलेगी, पसीने सर में थोड़े कम आ रहे हैं तो उससे और हेल्प मिली। ये मैं दिखा देता हूँ कितना चलाऊँ और उसके बाद हाथ रुक जाऊँगा, मैं बीच में कुछ एडिट नहीं करूँगा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह सी दहाड़ हो। ये गया, ये गया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ मैं, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पता है किसने लिखी है? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मस्त कवि थे यार वो।
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ मैं गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा घर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं। ये महान दृश्य है, मनुष्य है, अश्वेत रक्त से लथपथ। भाइयों मेरी गंदी आदत हो गई थी, फिर भाई आते हैं, पानी भी खत्म हो गया था ना, फिर भाई पानी लेके आए। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। जाम्फी। मुजाम्फी। पहुंच चुके हैं भाई, फाइनली। Thanks, man. Good job. Thank you. Ah, what? This is tough, eh? Fine. I made a lot of stuffs. I don't know, but my body is fine. But everything is worth. It's so amazing. Yeah. Wow. It's gonna be a dramatic video. जो सुबह सुबह मैंने वो एग रोल बनवाया था ना, अब खाने का टाइम आ गया। अब हाथ हाथ धोने का तो टाइम है नहीं, जैसा है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आने के बाद जो फीलिंग थी वो नहीं बयां कर सकता मैं शब्दों में, खतरनाक। उधर रह गया कोंगो का बॉर्डर, इसी वोल्केनिक माउंटेन के ऊपर ही कोंगो का बॉर्डर पड़ता है, और इसके जस्ट उस साइड में है युगांडा का बॉर्डर, ट्राई बॉर्डर है यहाँ पे। और जो मैं सोच रहा था कि भाई आज गोरिल्ला वोरिल्ला मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज गोरिल्ला की कोई साइटिंग नहीं हुई। ऊपर पहुंचने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी आपका माचो भाई रुका रहा, लेकिन इस माचो भाई की जो हेगड़ी थी ना ऊपर आने में लेनी देनी हो गई थी गंदे तरीके से। शायद आप नीचे जा नहीं सकते हो, और अगर आप नीचे जाओगे ना तो वापस ऊपर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस साइड से हम आए थे, एंड ब्रदर व्हाट्स द एलिवेशन डाउन देयर? We started at? We parked at 2,500. So we have climbed 1,200. 1,200. How did you see it? What a quasi, brother. Did you enjoy? Yeah, after reaching here, I enjoy. I did not enjoy the last 10 minutes. Mm-hmm. I was like, oh man. That was completely difficult, very tough. Oh yeah, my body is... it's not good. Yeah. But we are very lucky. Yeah. We've got good weather, no rain. But as long as it's raining, it's very, very hard. Because everything will be slippery, rain is coming, it will be really hard to breathe at that time. Yes, correct. Even though we didn't find gorillas, we find good weather. Yes, yeah. That's good, congratulations. Thank you, sir, we made it. Yeah, thanks a lot, man. You're welcome. The mist comes back. भाई कौवा देखो ना कितना बड़ा है। ओए रेवन, ये है ना मेरा रेवन है, और ये दुबई में और इंडिया में मेरे मैसेज लेके जाएगा। हाउस ऑफ, मैं हाउस कौन सा चूज़ करूँ, हाउस ऑफ स्टार्क। तो जो लोग टारगेरियन को पसंद करते हैं नीचे कमेंट करें, मैं स्टार्क वाला हूँ, लेकिन स्टार्क में हम हमारे अनाथ बेटे को भी इंक्लूड कर लेंगे। और हमारा अनाथ बेटा कौन था? जॉन स्नो। जॉन स्नो का रियल नेम क्या था? रागे टारगेरियन या क्या था, मैं भूल गया यार। अगर मान लो वो एक एपिसोड खराब नहीं करते ना, तो गेम ऑफ थ्रोन्स मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बन जाती, लेकिन उस एक एपिसोड के कारण। यार पता है क्या हो रहा है, हम हर सीरीज के बारे में बात करते हैं, फ्रेंड्स के बारे में भी अभी लोग बातें करते हुए मिल जाएंगे, हाउ आई मेट योर मदर के बारे में बातें करते हुए मिल जाएंगे, ब्रेकिंग बैड के बारे में तो हर कोई बात करता है, बेटर कॉल सॉल के बारे में बात करते मिल जाएंगे। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हुआ और वो लास्ट एपिसोड आया, उसके बाद से गेम ऑफ थ्रोन्स के चर्चे ऐसे गायब हो गए जैसे भेड़ के सर से सींग। अब कोई गेम ऑफ थ्रोन्स की बातें नहीं करता, बिल्कुल भी बातें नहीं करता भाई, ना कोई पोस्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना मीम्स में। उस एक एपिसोड ने सबका माइंड चेंज कर दिया। अब तक मैंने वो रिचुअल नहीं की थी, यहाँ पे जो लेटने के मजे हैं भाई। एक तो इतने पैदल चल के आए ना, और जब आप इतना लंबा पैदल चल के आते हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी नेक्स्ट लेवल थक जाती है, और थोड़ा सा आराम भी आपकी बॉडी को बहुत लगता है। GoPro इधर टाइम लैप्स बना रहा है, तो नीचे जाने से पहले आप ये टाइम लैप्स जरूर देख लोगे। आपको एकदम पूरा माहौल दिखा देता हूँ।
टाइम आ चुका है वापस नीचे जाने का, सब कुछ ले लिया है। आई होप नीचे जाने में उतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जितनी ऊपर आने में की थी। रास्ता अब सेम ही होने वाला है तो मैं आपसे नीचे जाके मिलता हूँ। जस्ट अभी गिरा हूँ, एक मिनट, कपड़ों की और हाथों की खस्ता हालत हो गई है यार। असली मजे जब आते हैं जब आप अकेले हो जाते हो इस टाइप के जंगलों में। रास्ते देखिए, रास्ता तो है नहीं, पैंट की हालत देखिए, जूतों की हालत देखिए। जब तक इस टाइप के एडवेंचर नहीं होंगे तो मज़े किसी बात के यार, इतनी देर मेहनत करके। नीचे आते टाइम एक बार भी नहीं रुका हूँ यार, और जाते टाइम तो भाई कम से कम भी 25 से 30 बार रुक गया हूँ मैं। नीचे जाते टाइम आई थिंक मैं दूसरा बंदा होऊंगा जो नीचे पहुँचूंगा, अभी मेरा पूरा ग्रुप पीछे ही चल रहा है। अभी मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है, मेरे सामने से 2-3 जानवर चले गए, दिखे नहीं, एकदम भाग के गए। मेरे साथ हिरन थे, लेकिन अगर हिरन है तो हिरन को खाने वाला भी होगा यहाँ पे। किसी जानवर के वो देखे थे मैंने, गू टाइप, और मुझे समझ नहीं है कि भाई किसका गू है वो। मैंने उससे वाइल्ड में बियर गिल्स बताता है ना कि अरे ये इस जानवर की है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे होगा, कुछ मिल ना जाए यार। अकेले में तो गोरिल्ला भी नहीं मिलना चाहिए भाई, अपनी पिछली वाली टांगों से एकदम मस्त अटैक करता है गोरिल्ला। जंगल छोड़ के वापस से जहाँ पे खेती की ज़मीन उधर आ गया हूँ, यहाँ से भी कम से कम 15-20 मिनट लगे जाएंगे। यहाँ से वो दो वेलकनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एक ये देखिए आप, ये पूरी वैली, और आई थिंक हमें उधर तक जाना है। ये जो सामने दिख रहा है ना ये माउंटेन था भाई, और अब वापस एकदम प्लेन एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे जो चलने के मज़े आ रहे हैं ना क्या ही बताऊँ, पैरों को इतनी शांति मिल रही है। ऊपर चढ़ते टाइम या नीचे उतरते टाइम जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है या पत्थर आते हैं उनसे पैरों में भाई बड़ा दर्द होता है। एक तरफ प्याज उगा रखे हैं और दूसरी तरफ आलू। और भाई नीचे पहुंचने के बाद हालत खस्ता हो रखी है, मैं सारी चीज़ें आपको एक बार होटल में पहुंचने के बाद बताऊंगा कि क्या सीन था क्या नहीं था।